हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एक पति हैं और पीड़ित हैं, एक्चुअल में पीड़ित शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर आपके साथ कुछ जातियां आपकी पत्नी पक्ष के द्वारा की गई हैं तो आप किन किन कानूनों के तहत किन किन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा लिखा सकते हैं उनके गलत कृत्यों के लिए। मैं यहाँ पर कोई फर्जी मुकदमे लिखाने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ प्रताड़नाएं यातनाएं हुई हैं, अगर आप भी प्रताड़ित किए गए हैं, इलीगल तरीके से आपको परेशान किया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं अपने पत्नी पक्ष के अगेंस्ट, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। हम सब जानते हैं जैसे महिलाओं के साथ कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होगा तो आपके ऊपर 323, 504, 506 में मुकदमे वाइफ दर्ज कराएंगे, 3/4 DP एक्ट लगेगा, आप 498A में चली जाएंगी, 125 मेंटेनेंस मांगने लगेंगी, डोमेस्टिक वायलेंस क्लेम करने लगेंगी, रेजिडेंशियल राइट्स मांगने लगेंगी, FIR लिखा देंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई गिनती नहीं महिलाओं को क्या क्या प्रोविज़न है, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, किन किन चीज़ों का वो पालन करते हुए आपको सजा दिला सकती हैं। अब लेकिन यहाँ पर पुरुषों की कोई बात नहीं करता कि पुरुषों के राइट क्या हैं। आखिरकार महिलाओं के राइट तो हमने बता दिए, पुरुषों के राइट क्या हैं। पुरुषों के लिए देखिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, आपको कानून से कानून निकालना पड़ेगा। मतलब आपको कहते हैं ना कि जो है कंकड़ डाल के पानी निकालना पड़ेगा, आप कौवा हो और वो कंकड़ डाल के आप पानी निकालेंगे तभी पानी ऊपर आएगा और आप पानी पी पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आज इसी विषय पर हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। आज मैं उन केसेस के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि जो आप वाइफ पक्ष पर कर पाएंगे। लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस देख पाएँ और अपनी मदद कर पाएँ। मेरे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मुझे पता है, जाहिर सी बात है, चाहे पति हो या पत्नी हो, आपके मैट्रिमोनियल विवाद या कोई क्रिमिनल विवाद, कोई ना कोई चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा वीडियो देखने वाला व्यक्ति, मैं उसको समझूंगा, उसको उसके जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आ रही हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोग मुझसे बात करते हैं तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, बिना अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट कॉल ना करिए। बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, मेरी टीम के लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर मेरी बात आपसे डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें इस वीडियो में क्या समझना है, मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जैसे ही आपकी आपकी पत्नी के साथ कोई विवाद होगा तो आपके ऊपर अनगिनत मुकदमे लिख गए, ये आपको पता है। अब आपके पास भी तो अधिकार है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप उनके अगेंस्ट भी मुकदमे लिखाइए। मान लीजिए आपकी मदर है या सिस्टर है, उनके साथ आपकी वाइफ ने हाथापाई करी हुई है, मारपीट करी हुई है, पहला, ठीक है, आप उनके साथ मारपीट करी हुई तो आपने इस पर मेडिकल एक्ट मेडिकल बनवाया, ठीक है, चोट लगी हुई, चोटों का एविडेंस, अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा किया, गवाहों को कलेक्ट किया, तो इन मेडिकल्स के आधार पर, इन गवाहों के आधार पर आप अपनी मदर और सिस्टर के बिहाफ पे, अगर उनके साथ जाती हुई, उनके साथ आपकी पत्नी ने मारपीट करी हुई, क्रुएलिटी करी हुई है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, आप इस आधार पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपनी पत्नी पर दर्ज करा सकते हैं अपने मदर और सिस्टर के बिहाफ पे। लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस सिर्फ पत्नी दर्ज करा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नी के साथ साथ माता और अविवाहित बहन जो आपके घर में रह रही है, जो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने के लिए ज़रूरी होता है कि सेम हाउस होल्ड आप लोग शेयर कर रहे हो, आप दोनों का एड्रेस सेम हो, एक ही घर पे आप लोग रह रहे हो, तो आपकी पत्नी और अनमैरिड सिस्टर अगर एक ही घर पे रह रही है और मदर एक ही घर पे रह रही है, तो आपकी मदर के साथ अगर वो मारपीट कर रही है, सिस्टर के साथ मारपीट कर रही, तो वो भी इस पर मुकदमा लिखा सकती हैं आपकी पत्नी के ऊपर। तो पहला ये हुआ कि आप अपनी पत्नी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखा सकते हैं, इसमें आपकी पत्नी के अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पारित हो सकता है और दूसरा उनसे कॉम्पनसेशन भी आपकी मदर और सिस्टर ले सकती हैं। उसके बाद अगर आपकी सिस्टर अनमैरिड है बेचारी, वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो अननेसेसरी के उसको मुकदमे में उसने फंसा दिया हुआ, तो शारीरिक और मानसिक क्रूरता उसके साथ हो रही, तो वो भी इस तहत भी मुकदमे लिखा सकती। उसके बाद अगला आइए, अगला मुकदमा आप क्या लिखा सकते हैं, अगला मुकदमा आप लिखा सकते हैं 499 का, यानी कि डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है मानहानि,
किसी व्यक्ति की लज्जा भंग करना, किसी व्यक्ति का किसी लेख के द्वारा या किसी अन्य तरीके से या किसी चिन्ह के माध्यम से उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को गिराने की चेष्टा करना या कोशिश करना, ये मानहानि यानी कि डिफेमेशन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें मानहानि बेसिकली दो प्रकार की होती है, क्रिमिनल नेचर की होती है और सिविल नेचर की होती है। आज हम लोग क्रिमिनल नेचर के मानहानि की बात करेंगे। क्रिमिनल नेचर के मानहानि में क्या हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा है और बेइज्जती कर रहा है तभी आपके पास एप्रोप्रिएट एविडेंसेस है कि उसने कुछ लिखा या कुछ उसने रिप्रेजेंट करा, तो एप्रोप्रिएट एविडेंसेस को कलेक्ट किए करके आप उसके ऊपर 499 का मुकदमा लिखा सकते हैं। अगर आप बिना किसी एप्रोप्रिएट एविडेंस के मुकदमा लिखाएंगे तो वो उल्टा आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा लिखाने में सक्षम हो जाएगी। तो किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव आस्पेक्ट है तो उसके निगेटिव आस्पेक्ट भी हैं, आप सभी को ये एकदम क्लियर होना चाहिए। अगला मुकदमा आप उसके ऊपर परजरी का लिखा सकते हैं, यानी कि सेक्शन 340 CRPC का। अगर मान लीजिए आपका और आपकी पत्नी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और आपको पता है रजनीश वर्सेस नेहा का जो आपको एफिडेविट देना होता है उसमें हस्बैंड वाइफ को पूरी डिटेल एप्रोप्रिएट देनी होती है और उसमें क्या लिखा होता है कि अगर मेरे द्वारा अगर कोई भी साक्ष्य जो है झूठे दिए गए हैं या गलत दिए गए हैं तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। अगर आपको 100% पता है कि आपकी वाइफ ने उसमें कोई एविडेंसेस, कोई डॉक्यूमेंट्स फर्जी या कूट रचित लगाए हुए हैं या नकली लगाए हैं, जाली लगाए हैं और आपको 100% पता है, मान लीजिए आपकी वाइफ ने उसमें क्लेम करा हुआ है कि वो ग्रेजुएशन नहीं की हुई है और आपके पास उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तो लगाइए उसके ऊपर CRPC की धारा 340 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। बेसिकली ये तभी लगेगा जब वो कोई साक्ष्य छुपाए, कोर्ट से न्यायालय से कुछ डिटेल्स छुपाए, तभी ये लग सकता है। ये मुकदमा आप तभी करें जब आपके पास पुख्ता सबूत हो इस चीज़ का, नहीं तो आप इस मुकदमे को बिल्कुल करने से बचें, इससे आपका और न्यायालय का दोनों का समय व्यर्थ होने वाला है। अगर मान लीजिए आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के जा रही है तो उसमें अगला मुकदमा आप क्या लिखा सकते हैं, अगर वो अपना सामान लेके जा रही हैं और आप पाते हो कि वो आपका भी सामान लेकर चली गई, तो इसमें आप ब्रीचमेंट ऑफ ट्रस्ट यानी कि 406 IPC का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि वो आपका भी सामान बिना आपकी परमिशन के लेकर चली गई हैं। लेकिन अगर जैसे ही वो गई हैं, एप्रोप्रिएट तरीके से आप एविडेंसेस कलेक्ट करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लगाइए और तुरंत ही केस दर्ज कराइए। अगर आप डिले करेंगे तो डिले में आपको लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आज आपका अपने स्त्री धन के साथ वो आपका भी सामान लेके चली गए, आपको 6 महीने बाद होश आ रहा है, अगर आप 6 महीने बाद मुकदमे लिखाएंगे तो ये आपके लिए डिसएडवांटेजियस हो जाएगा, आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अगला मुकदमा आप अपनी पत्नी पर क्या लिखा सकते हैं, अगर मान लीजिए लड़की वाले कहते हैं कि हमने इनको इतना पैसा दहेज दिया था, तो हम सभी को मालूम है कि दहेज लेना और देना अपराध है। हालांकि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि अगर आप कहोगे कि इन्होंने कहा कि हमने दहेज दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं आप कहोगे कि आपने लिया है, तो इस कंडीशन में आप भी फंस सकते हैं, तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला मुकदमा आप क्या लिखा सकते हैं, आप लिखा सकते हैं 494 का और 95 का। जब आपकी वाइफ आपसे बिना डाइवोर्स लिए शादी कर लेती हैं या शादी उन्होंने आपसे करी हुई है छुपाकर, आपसे तथ्यों को छुपा कर कि उनकी पहले से शादी नहीं हुई, ऑलरेडी मैरिड है फिर भी उन्होंने आपसे शादी कर ली, या आपसे शादी होते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप 419-20 का मुकदमा लिखा सकते हैं। या अगर वो कहें कि हाई स्कूल तक पढ़ी हुई हैं और पता चला उनकी मार्कशीट 10वें की भी नहीं है, तब भी आप उनके अंदर 419-20 का मुकदमा उनके ऊपर लिखाकर उनको जेल कारित करा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर पत्नी और उसके घर वालों ने आपके माता पिता के साथ या आपके फैमिली वालों के साथ मारपीट की हुई है, तो आप उनके ऊपर मारपीट की धाराएं 323, 504, 506 या गाली गलौज की लगवा सकते हैं। 323 हल्की मारपीट का हो जाएगा, 325 हड्डी वड्डी टूट गई, फिर 504, 506 गाली गलौज वगैरह का आप इनके ऊपर लिखा सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी पत्नी के घर वाले बीमार हुए कभी और आपने उनको हैवी अमाउंट मदद के तौर पे दे दिया या पत्नी को, और वो लोग ये पैसा रिटर्न करने को तैयार रहे क्योंकि पैसा बड़ा हो चुका है, तो इस कंडीशन में उनके लिए पैसा दे पाना संभव नहीं है। अगर पैसा आपने उनको ऑन रिकॉर्ड दे रखा हुआ है तो इस पैसे की रिकवरी के लिए आप रिकवरी सूट दाखिल कर सकते हैं और अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी जो है आपके घर से चली गई हैं, उनको वापस भी लाना चाह रहे हैं, तो सेक्शन 9 भी आप दाखिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो जो मैंने बताया है ये अधिकार उपलब्ध हैं, इन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पत्नी के अगेंस्ट जा सकते हैं और ऑनरेबल कोर्ट से जस्टिस आप पा सकते हैं।
और अगर कोई फर्दर आपको मुझसे हेल्प चाहिए, कोई डिटेल चाहिए किसी मामले को लेकर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपके पास अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। बिल्कुल अपॉइंटमेंट आप बुक कराइए और उसके बाद ही मुझसे बात करिए। बिना अपॉइंटमेंट शेड्यूल किए हुए मेरा आप लोगों से बात कर पाना संभव नहीं है। अब साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मुझे डेफिनेटली फॉलो करें। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक एंडिंग मैसेज मेरा आपको ये है कि आप लोग पति पत्नी हैं, विवादों को सुलझाइए आपस में बैठ के, कोर्ट कचहरी के चक्कर में कतई न पड़ें, क्योंकि दोनों लोगों का जीवन अमूल्य है। आपके फ्यूचर जनरेशन का या करंट में अगर बच्चे हैं तो उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। इसलिए अपने बच्चों के खातिर, अपने ईगोस को किनारे करते हुए अपनी लाइफ को आगे सेटल करने की कोशिश करें। आई होप आप लोग मेरी बात, मेरा अनुरोध मानेंगे। इसलिए आप सभी को मेरा प्रणाम, थैंक यू, जय हिंद।